हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का पेपर बोर्ड ने 4 फरवरी 2024 को निश्चित किया था। अब इसको लेके कई सारे स्टूडेंट को डाउट है कि पेपर 4 फरवरी को होगा या नहीं होगा, तो आपको बता दे कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से साफ संकेत है कि आपका पेपर 4 फरवरी 2024 को ही होने वाला है। बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यदि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इश्यू हो जाता है तो वो अलग बात है, अन्यथा कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और आपका पेपर 4 फरवरी 2024 को ही करवाने की उन्होंने बात कही है। बाकी आप सुन सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो क्या बोल रहे हैं। आचार संहिता खत्म होने के साथ ही अब एक बार फिर से युवाओं को उम्मीद बंधी। जय हिंद मुझसे बात करने के लिए। और जैसा आपने सारी फरमाया कि आचार संहिता समाप्त हो गई है और हमारा कैलेंडर में जारी कर दिया था, और हमारे 21 जनवरी से हमारा पहला एग्जाम है और हमारे करीबन 6 एग्जाम होने वाले हैं जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च में होंगे, तय डेट पर होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे भरोसा है। और उसके बाद करीबन 5 एग्जाम्स हैं जो कि हमने प्लान किए मार्च और अप्रैल में, तो बहुत ही शीघ्र ही उनका भी कैलेंडर जारी कर देंगे ताकि बच्चे एग्जाम दे सकें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें और उसमें कोई कोताही ना बरतें।